दीदी दीदी क्या हुआ? हमें शॉपिंग करने जाना था ना। शॉपिंग? दीदी शादी की कितनी सारी तैयारियां बाकी है, ज्वेलरी खरीदना है, कपड़े खरीदने हैं, कितना कुछ काम है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। ठीक है। दीदी तुम कुछ परेशान हो क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं तो? नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो तुम सोच रही थी, बताओ ना क्या है प्लीज। नहीं संजू, नथिंग। तुम ईशान और उसकी फैमिली के बारे में सोच रही थी ना? पापा ने बताया होगा ना तुम्हें दैट ईशान इज संजू, तू तैयार हो जा, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। पक्का? जल्दी से आना। ओके। और कुछ बाकी है? हाँ डैड, टीका। टीका दिखाना। संजू प्लीज यार, मैं ये सब नहीं पहनने वाली। पर दीदी टीका जरूरी है दुल्हनों के लिए। लेकिन सुहाना बात पे जब दुल्हन बनेगी वो ये सब नहीं पहनेगी, राइट डैड? क्या? राइट? प्लीज कोई अच्छी रिंग दिखाइए ना। डैड टीका जरूरी है, मैंने कंफर्म किया है सबसे। हाँ बाद में कन्विंस कर लूंगा, बाद में। क्या बकवास है ये, इतनी बड़ी दुकान में आपके पास एक ढंग की रिंग नहीं है। दीदी आपको कुछ पसंद नहीं आ रहा? नो यार संजू, स्टूपिड दुकान में कुछ है ही नहीं, सब लेटेस्ट है मैम। लेटेस्ट माय फुट यार। वाओ संजू, सी प्रिटी ना? वेरी नाइस दीदी। डैड आई लाइक इट। सुपर यार, और एकदम परफेक्ट फिट होती है। इसे प्लीज पैक कर दीजिए। सॉरी मैम, ये रिंग हम आपको नहीं दे सकते। क्यों? ये रिंग किसी ने ऑर्डर देके बनवाई है। सो उसके लिए दूसरी बनवा दो। इसे मैं लेके जा रही हूँ, ऑलराइट? नो मैम, ये अर्जेंट ऑर्डर पे बना है, आज डिलीवरी के लिए कस्टमर आने वाले हैं। मैं तो भैंस के लिए डबल पैसे देने के लिए तैयार। सुहाना सुहाना, रहने दो रहने दो, किसी और की चीज है। देखो हम किसी दूसरे दुकान से खरीद लेंगे। ओके, फिलहाल ये दो चीजें पैक कर लेते हैं। कोई जरूरत नहीं है। जब ये हमें एक स्टूपिड सी रिंग नहीं दे सकती तो मुझे इनके नेकलेस और ब्रेसलेट नहीं चाहिए। भाड़ में जाए सब। अरे आई डोंट नीड इट। सुहाना दीदी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। दादाजी इतना धीरे, दम लगाइए ना, ताकत। बुढ़ापे में कुछ सेवा हो तो ताकत आए ना। अब तुम्हारी दादी अपनी सेवा तो करवा लेती है, मेरी करती नहीं। अरे क्या बताऊं, परसों मैंने उसे कहा कि भाई मेरे पांव दबा दो तो हाथ में दर्द का बहाना करके चली गई। भाई मैं बताऊं, ये औरतें ना आदमी को बेवकूफ बनाना जानती है। बाबूजी आपने 100% सही कहा। मैं कहता ही हूँ। अब रानो को ले लो। हाँ? ये कहती है कि आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है, हाँ? ऐसा कहती है। लेकिन जब उससे मैं कहूँ कि भाई मेरा पकौड़े खाने का बड़ा मन कर रहा है, बोलती नहीं नहीं खाने। अरे आपको डॉक्टर ने मना किया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तली हुई चीजें आपके लिए मना है। अब बताओ अगर बंदे का मन कर रहा है कि गरम गरम पकौड़े खाए तो वो भी नहीं खा सकता, तरस के रह जाए। लेकिन चाचू फिर भी आपने जवानी में तो ये सब खाया होगा ना, छोले भटूरे कुलचे कचौड़ियां समोसे सब खाया होगा है। लेकिन रानी रानी तो मुझे अभी सही मैग्नीफाइंग ग्लास से देखती है और कहती है कि मोटे हो रहे हो। तो उससे तो सब कुछ मोटा ही दिखता है ना। फिर कहती है कि ये मत खाओ वो मत खाओ। भैया पति है, गुलाम है, क्या है? गुलाम गुलाम गुलाम। अरे भाई ये सब कहने की बातें हैं, पति परमेश्वर है, ये है वो है,
और इस धोखे में ना मैं बताऊं, आदमी जिंदगी भर पत्नी की सेवा करता रहता है और पत्नी ऐश करती रहती है। सही कहा आपने, बिल्कुल सही नाना जी। अब मेरी बीवी को देख लो, कौन सी बात सुनती है मेरी। भाई मैं कितनी बार कहता हूँ कि किसी रोमांटिक शोमांटिक जगह पे चलते हैं, लेकिन नहीं, कहती है छुट्टी नहीं है, है? अब भाई पति परमेश्वर की खुशी के लिए वो प्रिंसिपल को गोली नहीं दे सकती। यहाँ जेन्युइन प्रॉब्लम की बात हो रही है। किसके बारे में? अरे बारी बारी की छोड़ो भाई, देखो हमारी तो जैसे तैसे कट गई। अपनी सोचो, अपनी बीवियों को काबू में रखना सीखो। अरे पूरी उम्र पड़ी है तुम्हारे साथ। मैं तो कहता हूं आज से ही मोर्चा निकालो। अभी? हाँ, अभी से निकाल लो। हाँ, बीवियों का अत्याचार। नहीं सहेंगे। बीवियों का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बीवियों का अत्याचार क्या? सहेंगे। मैं भी तो सुनूं, क्या अत्याचार हो रहा है? वो तो बस ऐसे मजाक चल रहा था। अपनी बीवियों की बुराई करना मजाक है, यही सिखा रहे थे ना बच्चों को? नहीं नहीं दादाजी, नहीं सिखा रहे थे, वो तो ऐसे हम लोग अपने मन की भड़ास कर मन की बात बता रहे थे। बात। तो अब मेरी बात सुनो, सताए हुए पतियों, आज अपने खाने का बंदोबस्त खुद कर लेना। क्या? इस घर की बुरी औरतें कोई रसोई में कदम भी ना रखेंगी। माँ, दादी जी, नानी। अरे सुनो मुमताज, अब क्या करें शाहजहां? बाबूजी, क्या पंगा ले लिया आपने? एक बात सुनना बर्दाश्त नहीं, इतनी बड़ी सजा दे दी, अब फ्राइड तो क्या उबलावा खाना भी नसीब नहीं होगा। ठीक है, मैं जाता हूं। हाँ? अरे मैं जाता हूं और आज भी वही करता हूं जो बरसों से करता आया हूं। क्या दादाजी? हाथ जोड़कर माफी मांग लेता हूं। हाँ? दीदी सजू प्लीज, मैं उस शॉप में कभी नहीं जाऊंगी, नेवर एवर। इनफैक्ट डैड, कोई भी उस शॉप में जाएगा ना, मैं उसे जाने के लिए मना कर दूंगी। नेगेटिव पब्लिसिटी, यू सी, आई विल सू देम। सू देम? यस। दीदी तुम बेकार गुस्सा कर रही हो, अब उसने ऐसा गलत क्या किया? गलत क्या किया? क्या कह रही हो तुम? अरे मेरी बेटी को रिंग ना देकर उसने बिल्कुल गलत किया। अरे सुहाना का दिल उस रिंग पे आ गया तो आ गया है ना, तो क्या हुआ कि अगर वो रिंग किसी और ने खरीद ली हो तो, है ना? तुम्हारी भावनाओं को ना समझा, वेरी रॉन्ग। कितनी खूबसूरत लग रही थी वो रिंग तुम्हारे हाथ में, भला किसी और के हाथ में इतनी खूबसूरत लग सकती थी? You're absolutely right, Dad. पर वो क्या है ना, वो बेचारा जिसने अपनी वाइफ के लिए वो रिंग लिया था ना, उसने सुहाना दीदी को देखा नहीं था ना, इसीलिए ले गया। वेलकम सर, आपका ऑर्डर तैयार है, ये रही आपकी रिंग। सर बड़ी मुश्किल से आपकी ईयरिंग बचा पाई हूँ। मतलब? एक कस्टमर को ईयरिंग इतनी पसंद आई कि वो यही रिंग खरीदना चाहती थी, बहुत बहस हुई लेकिन हमने आपकी ईयरिंग उन्हें नहीं दी। थैंक यू। पर इस चक्कर में हमारा बहुत लॉस हुआ सर, मैडम ने सारी खरीदी हुई ज्वेलरी हमें वापस लौटा दी। ओ, अच्छा
उन्होंने तो ये रिंग पहन कर भी देखी और उन्हें इतनी फिट आई, मानिए जैसे ये रिंग उन्हीं के लिए बनी हो। नहीं, ये रिंग किसी और के लिए बन ही नहीं सकती। ये रिंग तो सिर्फ उसी के लिए है। किसके लिए सर? उस लड़की के लिए जो मेरी जिंदगी में आएगी। सपने देखना भी शुरू कर दिया। और सपने में कौन? सुहाना। क्या गेस किया इसने? हेलो हेलो हेलो। ओह यार, तुम तो मतलब शादी तय होते ही एकदम 180 की स्पीड से निकल गए। जो बैठ 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 जो शर्मा क्यों रहे? अब सुहाना के सपने नहीं देखोगे तो कब देखोगे? अब बस ख्याल रहे, राह चल रहे किसी खंभे से। सहेली से है बाबुल, मायका क्रिकेट का ग्राउंड, ससुराल गेंदा फूल, स्कर्ट पहने मार के परफ्यूम की दुकान, अन्नो है ये अनोखी, पूरे चांदनी चौक की शान, ससुराल गेंदा फूल। ससुराल गेंदा फूल। चलो जी, हो गई शॉपिंग। ये है सुहाना के लिए। भाई वाह, कितनी अच्छी साड़ी है। पापा मुझे भी ऐसी सेम साड़ी चाहिए। चुप कर, जहाँ कपड़े देखने की शुरू हो जाती है। और ये है सुहाना की छोटी बहन संजना के लिए। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अच्छा है ना? अच्छा है। तुझे भी ऐसा वाला चाहिए होगा ना पापा? और ये है हमारे वाजपेयी साहब के लिए। दिखाना। वाओ आलोक, अगर थोड़ा महंगा वाला लाते तो? क्यों, ये अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं अच्छा है, लेकिन क्या है ना कि वाजपेयी जी थोड़े अमीर है तो। ओहो रानो, हमें वाजपेयी जी की हैसियत से नहीं चलना, हमें तो हमारी हैसियत से चलना है ना रानो। हमसे जितना अच्छा होगा उतना तो हम करेंगे, कर ही रहे। हाँ बिल्कुल। हाँ लेकिन अगर उन्हें अच्छा नहीं लगे तो? क्यों नहीं अच्छा लगेगा, कितना सुंदर है ये। और रानो, वाजपेयी जी ने हमारी हैसियत नहीं देखी है, उन्हें हमारा परिवार पसंद आया है, आपस का प्यार पसंद आया है, और सबसे बड़ी बात हमारा ईशान पसंद आया है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे ईशान में उन्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा मिल रहा है, उन्हें पसंद कैसे नहीं आएगा ये सब? बिल्कुल। सच में आलू, ये साड़ी बहुत जचेगी सुहाना पर, है ना? रंग खिल उठेगा उसका। चल जाके ईशान को बुला खिला, उसे भी दिखाते हैं ना सब कुछ। ईशान भैया अभी नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? इंदर भैया उन्हें शादीशुदा जीवन का पाठ पढ़ाने गए। एक अजनबी लड़की अपना घर परिवार छोड़ के तुम्हारे साथ रहने आ रही, तो तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है? नहीं बनती है ना? बस आपस में एक अंडरस्टैंडिंग रखना, एक दूसरे की भावनाओं, एक दूसरे की इच्छाओं और एक दूसरे की अनकही बातों को समझो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मतलब अगर वो चांद मांग रही है तो क्या मैं चांद लाकर दे दूं? अरे पगले, वो चांद क्यों मांगेगी, वो भी तो समझेगी ना तुझे। देख ईशान, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने का दूसरा नाम है शादी। हाँ परफेक्ट। तो आप लोग अपनी बीवियों को समझते हो? ऑफ कोर्स। और नहीं तो क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं उसे रानी क्यों बोलता हूँ?
अरे उसे प्यार करता हूँ इसीलिए तो। फिक्र भी करते हैं अपनी बीवी। अरे बहुत बहुत भैया एक बात बताइए, मैं जॉब क्यों नहीं करता? मुझे क्या बता? तू बता। काम चोर हो इसीलिए नहीं जाते। ये पगले, काम चोरी की बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने डार्लिंग दीशू के साथ गुजारूं। इंदर भैया एक बात बताइए, अगर आप लोग अपनी बीवियों से इतना प्यार करते तो फिर झगड़ा क्यों करते हैं? झगड़ा इसे कोई झगड़ा कहते हैं? अरे ये तो आपस की नोक झोंक। अरे ऊपर से मैं तेरे को बताऊं ईशान, क्या है ना, औरत को समझना मतलब दुनिया का सबसे मुश्किल काम। अरे उसे तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए। अगर औरत ने कहा हाँ तो मतलब ना, अगर कहा ना तो मतलब हाँ, और अगर उसने कह दिया ठीक है ठीक है, मतलब चुप हो जाओ भैया, बहस नहीं करना चाहती हो। मतलब आजा बैठ यहाँ पे। अब जैसे वो बैठ के टीवी सीरियल देख रही हो तो उस वक्त बहसबाजी नहीं होगी, बाद में बम फटेगा, रात को खाने में ना खाते वक्त पूछेगी तुम क्या कह रहे थे मेरे मैके के बारे में, बस मुंह में निवाले अटक जाए। पानी। इंदर भैया सारी औरतें क्या एक जैसी होती है? अमूमन ऑलमोस्ट। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं, बस इतना याद रखना भैया, मतलब तुम पहली रात को ही बिल्ली मार दियो। हाँ मतलब बताओ यार। मतलब पहली रात में अपना इंप्रेशन जमा लेना, वो भी अपना रिस्पेक्ट और अपनी कमांड को बचा के। या आंचल की आंच से पिघल मत जाइयो बेटे, पहली रात को तय हो जाता है कि बॉस कौन है, पति या फिर पत्नी। हाँ। अच्छा इंदर जी, हम दोनों में बॉस कौन है फिर? ऑफ कोर्स मैं हूँ। भैया की बोलती तो रुक गए, पर तुम बताओ ना कौन कौन है बॉस? भैया बड़े हैं वही बताएंगे। भैया मैं क्या बताऊं? अरे छोड़ो, अरे कोई बॉस बॉस नहीं होता, सब एक इक्वल बराबर बराबर बराबर। छोटा भाई शादी कर रहा है, उसको हौसला बढ़ा रहा था, अपने अनुभव अपना ज्ञान दे रहा था उसे। ज्ञान ज्ञान अनुभव अनुभव। क्या कर रही हो तुम इंदर भैया? बॉस ईशान, तुम्हारे भैया ने तुम्हें जो भी बातें कही है उन्हें मत याद रखना, वरना जिंदगी भर पछताओगे। क्या कहा? क्या मैंने? हा? कुछ नहीं कहा। पहली रात में बिल्ली मार लीजिए। अरे नहीं, पहली रात में बिल्ली मैंने ऐसा कुछ ना। अरे क्या हुआ ना, ऐसे हम लोग तुम क्या कह रहे थे? हाँ इंप्रेशन, तुमने क्या इंप्रेशन बनाई थी बताना जरा। नहीं अब क्यों डरे, उस टाइम तो बड़ा बोल रहे थे ना। अरे कुछ नहीं बोला, तुम पूछो ना उससे। मैंने क्या कहा? मैंने उसे कहा कि भैया सामने वाली लड़की घर में आ रही है, थोड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी भी बनती है, मतलब उसकी इच्छाएं उसकी भावनाएं और अनकही बातों को समझना, ये कहा था, पूछ लो। अच्छा आप मेरी अनकही बातें समझते हैं? अरे कही हुई बातें ही नहीं समझते ये लोग। एग्जैक्टली तुम्हारा क्या मतलब था? आपने उस तक टीवी देख रहे तो कुछ मैं बोलो बात नहीं पता। मैं बहुत बुरी तरह बहुत बुरी तरह बहुत बुरी नहीं नहीं आप बॉस बन रहे हैं, आप बताओ ना सबके सामने उस टाइम तो करें बॉस बन। डैड, दीदी के बारे में सोच रहे हैं ना? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि सुहाना की शादी होने जा रही है। डैड आपको फिक्र नहीं हो रही कि शादी के बाद क्या होगा? फिक्र मतलब? मतलब दीदी वहां एडजस्ट कैसे करेगी, इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली और दीदी का मिजाज तो आप जानते ही हैं ना।
ससुराल गेंदा फूल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।